हेलो मेरे YouTube फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है आप देख रहे हैं, जो हमारे गार्डन के अंदर मैं पिछली वीडियो में कुछ चिड़ियों के घोंसलों में अंडे दिखाए थे, और देखो आप उसमें से बच्चे निकल आए हैं। बच्चे कितने ज़्यादा प्यारे हैं। मैं जब ही इसके पास आया तो इन्होंने सोचा जैसे चिड़िया खाना लेकर आती है इनके लिए स्पेशल, तो ये फटाफट बाहर आ गए। जब चिड़ियों ने ऊँची ऊँची बोलना स्टार्ट किया, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इन्होंने नीचे होकर शांति से बैठ गए, क्योंकि इनको अलर्ट कर देती हैं कि खतरा है, तो इसलिए ये शांत हो जाते हैं। आवाज़ भी सुन रहे हैं तो बाहर भी निकल रहे हैं घोंसले से, लेकिन मुझे इसका वीडियो बनाते हुए डर भी लग रहा है कहीं नीचे ना गिर जाएं। दूसरी तरफ चिड़िया देखें, ये बैठी हैं, इनकी जो माता पिता मदर फादर जो भी हैं, ये इस साइड बैठी है, एक दूसरी साइड जो चिड़िया बैठी है बुलबुल, उसके मुँह के अंदर इनके लिए भोजन भी है। दिखाता हूँ अभी आपको मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे गार्डन के अंदर से ये देखे। ये क्या होता है, हमारे गार्डन को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। देखो आप ध्यान से देखिए, इसके जो चोंच के अंदर भोजन है वो कोई ना कोई कीट है, कीट पतंगा जो हमारे गार्डन के अंदर पनपते हैं, पौधों को खाते हैं, वही उठाकर ये अपने बच्चों को खिलाती है, उसका पेट भरती है और हमारे गार्डन को सेफ्टी देती है। क्या होता है कि इन बच्चों को हमारे गार्डन के अंदर जब ये इसलिए घोंसला लगाते हैं क्योंकि ये बड़े जानवर इनके बच्चे उठाकर ले जाते हैं, तो हमारे जहाँ पर हमारा आना जाना होता है इनकी कोशिश वही होती है कि वहाँ पर घोंसला लगाया जाए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ इनसे प्यार करें, घर के अंदर बहुत सारे पौधे लगाएं, ताकि देखो जब जानवर है ये जो चिड़िए परिंदे हमारे घर में आएंगे ना, तो कीट पतंगे बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बिल्कुल सफाई रहेगी। जितने ज़्यादा क्वांटिटी में परिंदे होंगे उतने ज़्यादा हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।